जिकल इंजन ऑफ एडजस्टमेंट अच्छा हम बात कर रहे थे कि क्रॉस कल्चरल रिसर्च का साइकोलॉजी को क्या फायदा तो एक तो नॉलेज का फायदा हुआ एक क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ी तीसरा जो बहुत बड़ा इसका फायदा और कंट्रीब्यूशन है साइकोलॉजी में वो है साइकोलॉजिकल इंजन इंजन आपको पता चीज़ों को चलाता है उसके बगैर तो गाड़ी नहीं चलती वो इंजन क्या है जो दूसरे माशरे में दूसरे कल्चर में एक से दूसरी जगह जा रहने और जॉब और काम करने और कमाई करने में या तालीम हासिल करने के लिए जो हम मूव करते हैं, वहाँ जो हमें एडजस्ट करना पड़ता है जो हमें अपने आप को घुलना मिलना और उससे मानूस होना पड़ता है ताकि हम जिंदगी वहाँ पूरी कर सकें तो उसके लिए क्या इंजन है साइकोलॉजिकल इंजन है जो एडजस्टमेंट को पॉसिबल बनाता है लेके चलता है ठीक है अब एडजस्टमेंट की तरफ अगर जाए तो क्रॉस कल्चर के लिए समंदर क्रॉस करना ज़रूरी नहीं है आप ज़रा सा इस यूनिवर्सिटी से निकलें और आपको गर्ल्स और बॉयज़ के हॉस्टल नजर आएंगे उनमें कितनी बच्चियां हैं जो दूसरे शहरों से हैं और कई तो इतने दूर के रीजन से आते हैं स्टूडेंट्स कि उनकी जो जबान का है उससे फ़ौर पता चलता है कि वो अपनी कोई और मादरी जबान रखते हैं और हम अक्सर प्यार में अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप लगता है कि सिंध से आयो क्योंकि वो एक खास तरह उर्दू बोल रहे होते हैं और ये सब पाकिस्तान के प्यारे प्यारे इलाके हैं यही वेराइटी है इंसानी कल्चर की अब उसमें एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है गांव से आके शहर में हॉस्टल में बच्चियाँ आती थी जब यूनिवर्सिटी में एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है ज़बान बोलचाल, खाना पीना लिबास सोशल मैनर्स कितना करना है कुछ कल्चर से बच्चे आते हैं और शहरों से या इसी शहर में किसी और इलाके से जो सवाल नहीं पूछते तो ये उनका कल्चर ये था स्कूल का कल्चर ये था फैमिली का कल्चर ये था कि जो पढ़ाया जा रहा है जो सुन रहे हो उसको पूछा नहीं है क्या आप मुझे दोबारा बताएंगे मुझे समझ नहीं आई बहुत कम बच्चे ये करते हैं अब ये कल्चरल फ़र्क है तो एडजस्टमेंट के लिए फिर आपको बदलना पड़ता है तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो एडजस्टमेंट के तह में मौजूद हैं कल्चर की हो या एक ही कल्चर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों की और लोगों की हो ग्रुप्स की हो तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है क्रॉस कल्चरल रिसर्च का ये उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है ये उस प्रोसेस को खुल के बता रही है कि क्रॉस कल्चरल रिसर्च के क्या चीज़ें होती हैं मसलन मतलब एक चीज़ है पर्सनैलिटी में ओपननेस टू एक्सपीरियंस जो लोग और तरह का खाना चखते हुए और तरह की ज़बान बोलते हुए किसी की बात सुनते हैं और उससे सीखते जलती हैं वो लोग बड़ी जल्दी एडजस्ट करते हैं अगर आप बाहर के मुल्कों में कहीं भी जाएं तो हर जगह एक चाइना टाउन ज़रूर होता है और उसके पास से गुजरे सिर्फ उनके अपने खाने पक रहे होते हैं वो किसी के खाने नहीं खाते उनके अपने स्टोर होते हैं वो अपनी ही जबान में बातें कर रहे होते हैं इसीलिए वो चाइना टाउन बना लेते हैं पूरी दुनिया को बेचते हैं अपनी हर चीज़ खाना भी प्रोडक्ट्स भी लेकिन रहते अपने दायरे के अंदर हैं ये ख़ास उस कल्चर की एक चीज़ है उसका यह मतलब नहीं कि वो एडजस्ट नहीं कर रहे उन्होंने अपनी दुनिया बड़ी दुनिया के अंदर बना लिया है चाहे सिडनी हो चाहे न्यूयॉर्क हो चाहे वैनकूवर हो तीन मुल्कों की मिसाल में दे रही हूँ चाइना टाउन मिलेगा और फ्रांस में भी मिलेगा और दुनिया के हर मुल्क में तो अब ये जो एडजस्टमेंट है उसमें जो चीज़ें सामने आती हैं वो हमें साइकोलॉजी की रिसर्च ने बताई मसला उसने इस टॉपिक को ये जो हमारे बैरी किम बॉस्टी वार्ड और ये बहुत से रिसर्चर्स के नाम हैं इन्होंने बहुत सालों तक पढ़ा है इस तरह मेट्सुमोटो जो कि जैपनीज़ हैं उनके कोलीग्स ने भी फैक्टर्स स्टडी किए हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो क्रॉस कल्चरल को प्रडिक्ट करते हैं कि हम एडजस्ट करेंगे उन्होंने एक स्केल भी बनाया इंटर कल्चरल एडजस्टमेंट पोटेंशल स्केल कि आप में कितनी सलाहियत है कि आप दूसरे कल्चर्स में एडजस्ट करेंगे इसमें स्किल्स चाहिए होते हैं अपने इमोशंस को समझना और दूसरों के इमोशंस को समझना इमोशन को कंट्रोल करना रेगुलेट करना ओपननेस अभी मैंने बताया फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर बहुत इतनी बदलने की सलाहियत होनी चाहिए कि आप रिजिड ना हो आप एक ही जगह जमे हुए ना हो क्रिएटिविटी नई चीज़ें ईजाद करनी पड़ती हैं नए तरीके से रहना पड़ता है तो उसमें जब तक आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होगी कि अब मैं क्या करूं तो आप कुछ कर लेते हैं क्रिटिकल थिंकिंग जायज़ा लेना गौर वफिक्र करना इमोशन रेगुलेशन सबसे अहम है इमोशन रेगुलेशन हमेशा कंसिस्टेंट प्रडिक्टर होता है सारी स्टडीज़ में कि इसके ज़रिए क्रॉस कल्चरल एडजस्टमेंट जो है वो आसान हो लोग अपने जज्बात को ऊपर नीचे कर सकें जिस तरह आप एक वॉल्यूम के ज़रिए आवाज़ को ऊपर नीचे करते हैं या लाइट की डिपिंग करते हैं एक्चुअली इंसान के अंदर ये रेगुलेटर होता है जितनी ज़्यादा आपको नेगेटिव इमोशंस को कम करने की आपके पास होगा ना टेपर वॉल्यूम रेगुलेटर होगा जैसे पंखों का होता था पुराने ज़माने में तो उतना ही आपको आ, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो आपको चिड़ होने लगती है ना आप उसको बदल सकेंगे और उस पर कंट्रोल कर सकेंगे इमोशन रेगुलेशन इस बात के लिए भी आसानी करता है कि आप नए जो आपके सामने मॉडल और कॉग्निटिव स्कीमज़ आ रहे हैं ना स्कीमज होती हैं हमारे जहन में चीज़ों की कैटेगरीज खास तरीके से जो सीन बने हुए होते हैं तो वो नए आपको बनाने पड़ते हैं जब आप किसी और कल्चर या जगह को बदलते हैं तो ये इसकी इम्पोर्टेंस जो है ये पूरी दुनिया में तस्लीम की गई